आज की इस वीडियो में बताने वाले शॉप 101 में ऑर्डर कैंसिल कैसे करें, तो एकदम बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करना है तो इस वीडियो में पूरी अंत तक ले बना रहिए। इस वीडियो में बताने वाले हैं कि शॉप 101 में ऑर्डर कैंसिल कैसे करें। तो चलिए गाइस वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गाइस आपको करना क्या है कि शॉप 101 को ओपन कर लेना है। तो देख सकते हैं गाइस कि शॉप 101 ओपन हो रही है। ओपन होने के बाद आपको बताते हैं कि कैसे इसमें अपना ऑर्डर कैंसिल कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं 3 डॉट का एक ऑप्शन आ रहा है। तो 3 डॉट वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं योर ऑर्डर का ऑप्शन आ रहा है। तो इस पर क्लिक कर देना और क्लिक कर देने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाएगी। तो यहाँ देख सकते हैं ऑर्डर ट्रैक का ऑप्शन आ रहा है। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है और क्लिक कर देने के बाद यहाँ से जो भी प्रोडक्ट आप ऑर्डर कैंसिल करना चाहते हैं तो यहाँ से आसानी से अपना कैंसिल कर सकते हैं। मान लीजिएगा इस प्रोडक्ट को हम कैंसिल करना चाहते हैं तो इस पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक कर देने के बाद यहाँ कैंसिल ऑर्डर दे रहा है। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है और क्लिक कर देने के बाद यहाँ से फिर से ऑर्डर कैंसिल, तो इस पर आपको क्लिक करना है और क्लिक कर देने के बाद यहाँ से रीजन आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो चलेगा यहाँ कोई भी एक ऑर्डर बाई मिस्टेक यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं और कैंसिल ऑर्डर का ऑप्शन आ रहा है। तो इस पर आप क्लिक करके यहाँ से जो भी मिस्टेक जो भी आप लिखना चाहते हैं तो यहां से लिख सकते हैं। तो चलिए हम यहां से लिख दिया और ऑर्डर कैंसिल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और क्लिक कर देने के बाद यहां पर देख सकते हैं कि ऑर्डर कैंसिल हो चुका। तो इस तरीके से गाइस आप लोग शॉप 101 में ऑर्डर कैंसिल अपना कर सकते हैं। तो गाइस मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।